हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर खाद के विषय को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जेपी दलाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा में गेहूं व सरसों की बुवाई के लिए और डीएपी खाद की आवश्यकता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 26 रैक डीएपी खाद देने पर सहमति दी थी, जिसमें से 12 रैक प्रदेश को खाद के मिल चुके हैं और 14 रैक आगामी एक सप्ताह के भीतर में मिल जाएंगे। एक रैक में करीब 2600 मैट्रिक टन डीएपी खाद होता है। कृषि मंत्री ने बताया है कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में प्रतिदिन 3 रैक डीएपी खाद राज्य को प्राप्त होंगे। इस आपूर्ति से हरियाणा में फसल बुवाई के लिए जितनी डीएपी खाद की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उतना ही खाद लें। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार खाद की किल्लत को लेकर खबरें आ रही हैं। मंगलवार को हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके में डीएपी खाद की किल्लत पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर खबरें आई हैं। किसानों ने चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया था। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलती है, वहीं सरकार ने जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के बारे में सभी खाद निरीक्षकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में भी पैनी नजर रखने बारे हिदायतें जारी की हैं। डीएपी खाद की उपलब्धता को देखते हुए किसान थोड़ा धैर्य बनाए रखें और खाद का स्टॉक ना करें, आवश्यकता अनुसार ही खाद की खरीद करें। खाद की उपलब्धता बारे विभागीय स्तर पर रबी सीजन के दौरान बिजाई की जाने वाली फसलों के अनुरूप मांग कर ली गई है। सरकार द्वारा हर जिले में डीएपी खाद के रैक अलॉट कर दिए गए हैं, जिनकी सप्लाई किसानों की सुविधा को देखते हुए सीधे जिले में स्थित सभी कृषि विभाग एवं कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कर दी जाएगी, ताकि किसानों को खाद लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।